आजक मुफ़्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्म मुहम्मद ने सवाल पूछा है क्या पेट में वफ़ात पाने वाला बच्चा ज़ख़ीरा आख़िरत होगा मेरा बच्चा डिलीवरी से कुछ टाइम पहले फ़ौत हो गया नौमाँ का हो चुका था क्या इस बच्चे का नाम कब्र पर लिखवा सकते हैं नीज़ क्या आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया है या नहीं जी बिल्कुल आखिरत में सिफ़ारिश का ज़रिया भी है हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारी कसरत पे फ़ख्र करूँगा इमाम शाफ़ी ने किताबुल किताबल में रिवायत नकल की है जिसमें बिस्सिक्द का भी जिक्र है यानी वो बच्चा जो माँ के पेट में ज़ाया हो जाए तो वो भी बच्चा ही है और क़्यामत के दिन वो शफात का ज़रिया भी बनेगा और इसका नाम भी आप लिखवा सकते हैं खबर पर गुंजाइश है मकान बनाने से पहले ज़मीन में ऊंट की हड्डी दफनाना मकान बनाने से पहले मकान की ज़मीन में ऊंट की हड्डी दफनाई जाए तो कहते हैं कि इससे मकान में दीमक नहीं लगती क्या ये अमल जायज़ है इसमें कोई गुनाह या शर्क वाली बात तो नहीं है मिसेस शजात इस्लामाबाद शर्क वाली बात तो नहीं है अलबत ऐसी चीज़ जिसकी कोई दलील ना हो तो शरीयत ने उससे हमें रोकाई तवहम परस्ती है और शरीयत तोहम परस्ती को पसंद नहीं करती इस लिहाज से इसमें गुनाह का पूरा पूरा ख़तरा मौजूद है कि आपके पास जब एक चीज़ की तो कोई दलील नहीं है तो आप वो अमल क्यों कर रहे हैं कुकिंग चैनल में गैर मुस्लिम के त्यौहारों की डिशें डालना मैंने एक चैनल शुरू किया है जो कुकिंग और हेल्थ से मुतलिक है चेहरा नज़र नहीं आता सिर्फ़ आवाज़ आती है गैर मुस्लिम अपने त्यौहारों में जो मुख्तलि खाने बनाते हैं क्या इस मौके पर इससे मुतालिक खाने की तरकीब यूट्यूब पर डाल सकते हैं क्योंकि इस इससे वो इन खानों की सर्चिंग ज़्यादा होती है यानी इस किस्म के खानों की सर्चिंग ज़्यादा होती है अब्दुल क़रीम लखनऊ से जी हाँ खाना पकाने की तरकीब बताने में या डालने में कोई हर्ज नहीं है चाहे वो उनके त्योहारों के खाने हो आप नीयत यह करें कि अब खाने के बनाना सिखा रहे हैं अब ये उनका हैडेक है कि उसको त्यौहारों में इस्तेमाल करते हैं या मैय में इस्तेमाल करते हैं ये उनका हैडेक है खाना को, किसी भी किस्म का जो हलाल खाना होगा उसकी तरकीब बनानी सिखाई जा सकती है क्या नवासे पैदा होने के बाद बच्चे रुकवा सकते हैं बिनते सद्दीक़ मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है मेरी दो बेटियां शादीशुदा भी हैं और नवासियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या मैं बच्चे बंद करवा सकती हूँ करवाने का ऑपरेशन करवा सकती हूँ बिल्कुल नहीं ऑपरेशन किसी कीमत पे जायज़ नहीं है और वैसे भी ये तो आपके लिए फ़खर की बात है आपके भी औलाद होगी आपकी बेटियों के भी औलाद होगी तो आप फ़खर से कह सकेंगे भाई देखो मेरी बेटियों की शादियाँ हो गई उनकी औलादें हो गई मगर माशा मैं अब तक सेहतमंद हूँ जवान हूँ ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें कि जब औरत बच्चों की पैदाइश रोकती है तो फ़ौर बुढ़ापा शुरू है ये बात तयशुदा है मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था एक साल तकरीबन एक डेढ़ साल पहले उसमें यूरोप के जो मेडिकल साइंस के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और गायनी के डॉक्टर हैं ख़ासतौर पर और नोबल इनाम याफ़्त डॉक्टर हैं उनके रेफरेंस उनकी किताबों से मैंने पेश किए थे कि औरत के लिए विलादत के अमल से गुजरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी नेचर का हिस्सा है अगर वो ये सिलसिला रोक लेगी तो उससे पेचीदगियाँ पैदा होंगी उसकी बॉडी में मसाइल पैदा होंगे तो इसलिए जो ख़वा चाहती हैं कि वो अच्छी सेहत रहे उनकी जवानी बरकरार रहे तो उनको नस्ल नहीं रोकनी चाहिए हाँ ये ज़रूर है कि जो औलाद जिनके यहाँ होती है उसके लिए जाहिर है सेहत भी चाहिए खुराक भी चाहिए तो खुराक को फोकस करना चाहिए बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है कि जो शख्स वर्जिश करता है ना एक्सरसाइज करता है जिम जाता है या जॉगिंग करता है जॉगिंग करने के बाद आप देखें उस बेचारे की हालत ख़राब होती है एकदम एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्व हुई हुई होती है पसीना आ रहा होता है और बिस्तर पर आगे पड़ जाता है तो इसकी इस कंडीशन को देख के अगर कोई ये कहे कि जॉगिंग करने से सेहत ख़राब होती है देखो वो जॉगिंग करके आया उसका क्या हाल हुआ है तो ये कैसी गैर माकूल दलील होगी इसलिए कि भाई वो वक्ती तौर पर है अब जब ये खुराक खाएगा तो दूसरों से ज़्यादा ये खुराक इसकी बॉडी को लगेगी और दूसरों से ज़्यादा ये इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी तो जैसे वर्जिश का असूल है कि एक्सरसाइज़ के बाद आपकी एनर्जी बहुत यूटिलाइज होती है इसलिए वक्ती तौर पर आप कमज़ोर भी होते हैं लेकिन आप पे मोटापा नहीं आता आप जो खुराक खाते हैं वो एनर्जी उससे पैदा होती है और वो एनर्जी फिर यूटिलाइज़ होती है तो ये पूरा एक सर्कल चलता है जिससे आप जवान रहते हैं तो बेनी यही हाल उन खुतिन के साथ है जो बाकायदा विलादत के अमल से गुजरती हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है वक्ती तौर तो पर विलादत के बाद वो कमज़ोर हो जाती हैं लेकिन जब फिर खुराक खाना शुरू करती हैं तो दोबारा ये रिकवरी होती है और पहले से ज़्यादा अच्छी उनकी हालत हो जाती है तो जो इस प्रोसेस से आप देखें ना पहले ज़माने की जो खुतन थी जो हमारी दादियाँ नानियाँ थीं वो तो जानती नहीं थी बर्थ कंट्रोल क्या होता है उनके ज़माने में ना ऐसी दवाएँ थी ना वो उनको पता था कि ये क्या होता है तो उनके यहाँ तो बहुत औलादें होती थी और नबे नवे पिचानवे पिचानवे साल उन्होंने ज़िंदियाँ गुजारी हैं और ना उनमें मोटापा आता था जो बाय नेचर जिनका वजन ज़्यादा हो वही होती थी वरना तो आज आप देखें कि ख़वात की हालत क्या हो गई है शादी के बाद जो उन पर एक मोटापा चढ़ना शुरू होता है और फिर एक मोटापा एक बज़ात खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है ये वजह उसकी है कि फितरत से लड़ रही है औरत के बारे में जो ये जो कहा जाता है कि बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है तो ये सिर्फ लफाजी है फितरत ने औरत के ज़िम्मे ये काम लगाया है उसकी बॉडी को जो डिज़ाइन किया है उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि ये दीगर दूसरे काम के साथ नस्ल को भी बढ़ाएगी तो अगर ये आप इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर रोक लेंगे किसी भी तरीके से तो ये नेचर से एक किस्म की बगावत होगी तो इसलिए इस बारे में आप गम ना करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी कसरत पे फ़खर करूँगा हज़रत उमर रजी अल्लाह तन का कौल है सऊदा उलूदा अहबूल मिनलन ला तलिद वो स्याह काली सयाह औरत जो बच्चे जनती हो अल्लाह को उस औरत से ज़्यादा महबूब है जो खूबसूरत हो मगर औलाद ना जनती हो वजह उसकी है कि आज मुसलमानों की जो इतनी बड़ी आबादी है ये तो हमारी माए माएँ जो हैं ये बच्चे जनती रही हैं जिसकी वजह से हमें भी हयात मिली और आज दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं अगर ये माएँ विलादत बच्चे ना जनती या रोक लेती या ग्रोथ रेशो कम कर देती तो आज मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी ना होती दुनिया में कि वो एक अपना मकाम रखते जो है ना ये इस्लाम दुश्मन इनको खा के ख़त्म कर देते तो इसलिए नेचर का भी यही हुक्म है और कुरान का भी यही हुक्म है नबी अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है फितरत का भी यही हुक्म है और आपकी सेहत की भी रिक्वायरमेंट यही है कि नस्ल मत रोकें नसल को बढ़ने दें और ये आपके दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी जब आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो यही औलाद है जितनी आपकी औलाद होगी आप उतनी ऐशोशरत वाली ज़िंदगी गुजारेंगी तो इसलिए इसमें अल्लाह पे तोल और करना चाहिए हाँ कोई बीमारी हो किसी डॉक्टर ने बाकायदा बताया हो और डॉक्टर भी वाकई डॉक्टर हो वो उसने बाकायदा बताया हो कि आपको विलादत के यानी कोई बीमारी जिसम में ऐसी लाइक हो गई है कि अगर आपने औलाद मज़ीद पैदा की तो आपको ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ऐसी सूरत में वक्ती तौर पर रोकी जा सकती है ऑपरेशन फिर भी जायज़ नहीं है पार्टनरशिप में नफ़े का हिसाब अंदाज़े से करना मैंने अपने एक दोस्त के पास इन्वेस्टमेंट की र्ज़ से कुछ पैसे रखवाए थे इसका काम कपड़े का है हम साल के बाद हिसाब करते हैं मुझे कुछ ज़रूरत थी तो मैंने इसे कहा कि मुझे हर महीने मेरे पैसों के हिसाब से नफ़ा दिया करें तो वो हतमी हिसाब किताब के बग़ैर अपने अंदाज़े के मुताबिक मुझे दो या सवा दो फ़ीसद का नफ़ा देते हैं क्या यह तरीक़ेकार ठीक है या नहीं बिलाल साहब फैसलाबाद से यह तरीक़ा जनाब बिल्कुल नाजायज़ है इसलिए कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की है ना और उनका काम कपड़ों का है और वो कपड़ा बेचते हैं या कुछ भी करते हैं बना के बेचते हैं तो आपने ये जो कहा कि मुझे मेरे पैसों के हिसाब से नफा चाहिए ये गलत है आप ये कहेंगे कि मेरे पैसे और आपके पैसों में जो परसेंटेज है जो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे कि आपके रेशो कितना था मेरा रेशो कितना था मसलन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो सौ फीसद है तो प्रॉफिट मुकम्मल आपकी आपके पैसों से हुआ है तो फिर उसमें आप ये कह सकते हैं भाई इतने परसेंट मेरा इतने परसेंट उस प्रॉफिट में आपका और अगर आपकी मिसाल के तौर पर अस्सी हज़ार हैं बीस हज़ार आपके पार्टनर के हैं तो इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा तो वो अस्सी फीसद जो है ना वो आपके पैसों से हुआ है तो जो आपके पैसों से प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में आप शिरकत करेंगे कि भाई जो काम करने वाला है वो इतने परसेंट और मुझे इतने परसेंट वो परसेंट कुछ भी तय कर सकते हैं आपस में तो परसेंटेज में शिरकत होगी और वो शिरकत परसेंटेज की प्रॉफिट में होगी इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज नहीं लगाई जाती इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में होगी और वो भी तयशुदा होगी अंदाजे से जो आपके दोस्त ने कहा मेरी मर्जी जितना दे दूँ यह नाजायज़ है इस मामले को ख़त्म करना और फस करना जरूरी है निकाह में औरतों का गवाह बनना क्या दो औरतों की मौजूदगी में निकाह हो जाता है बिनत खालिद कराची से निकाह में कम से कम गवाहों में दो मर्द हों या एक मर्द दो औरतें सिर्फ़ ख़वा ही अगर गवाह हों तो चाहे दो हज़ार भी क्यों ना हो निका नहीं होता कम से कम एक मर्द का उसमें होना कबूल के वक्त मौजूद होना ज़रूरी है एक मर्द अगर है फिर बेशक दूसरा मर्द हो या दूसरा मर्द नहीं तो दो औरतें हों ये ठीक है लेकिन सारी अगर ख़ाती ही होंगी तो निका नहीं होगा कारपेट खुश्क होने से क्या पाक हो जाते हैं बिनते तजुलफ़िकार लंदन से अगर घर में कारपेट नापाक हो जाए और हम इसे पाक ना करें और नापाकी खुश हो जाए तो क्या खुशक होने से वो कारपेट पाक हो जाता है या नहीं बिल्कुल नहीं होता अगर कारपेट पर पे पेशाब हो गया है कोई ऐसी गंदगी गिर गई है जो लिक्विड फॉर्म में होती है तो खुश होने से पाक नहीं होगी आपको उसे धोना पड़ेगा धोने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई टब कारपेट के नीचे घुसाएँ घुसएँ किसी डंडे से वहाँ वहाँ तक उसे घुसा के ले जाएं जहाँ वो गंदगी है पेशाब वगैरह था जो सूख गया है तो जब वो टब नीचे चला जाए ऊपर से आप कारपेट पे पानी डालें और उसको मसलें ताकि वो पानी जो है वो नीचे टपकना शुरू हो जाए तो इतना पानी उसमें बहा दें कि वो कारपेट जो टुकड़ा है ना आप समझते हैं जितने पानी में तीन दफ़ा वो डूब सकता है यानी तीन मगे पानी आप बहा दें उसमें सादा लफ्जों में ज़्यादा पेचीदगी से बचने के लिए मैं यूँ कहूँगा कि एक दफ़ा पानी डाला वो पानी सारा सरायत करके नीचे निकल गया फिर दोबारा डाला वो सारा पानी ऐसे जज्बों के नीचे टब में जमा हो गया तीन दफ़ा ये अमल किया तो पाक हो जाएगा और अगर कारपेट के नीचे टब कारपेट के नीचे टब घुसाना मुमकिन नहीं है बास कारपेट ऐसे होते हैं कि वो चिपके हुए होते हैं फ़र्श के साथ तो फिर गीला कपड़ा लेके आप उस पर पोछा लगाएँ और फिर उस गीले कपड़े को धोए धोएं तो ये अमल इतनी दफा करें कि आपको गालिब गुमान हो जाए कि यहाँ से ये पेशाब वगैरह जज्ब हो चुका होगा वरना कम से कम तीन दफा ये अमल लाजमी करें आप सलात और तस्बी का सरदा सहव अदा करने का तरीका अगर हम सलात और तस्बी पढ़ रहे हैं और इसका कोई वाजिब छूट जाने की वजह से सरदा साहब वाजिब हो जाए तो इसका सरदा सहब किस तरह करेंगे क्या सिर्फ तीन मरतबा सुमहान रबी अला कहेंगे या इसमें भी दस मरतबा कलमा पढ़ना होगा आफ़रीन इंडिया से जो नॉर्मल आम नमाजों में जैसे सद्दा साफ़ किया जाता है उसी तरह से सद्दा साब किया जाएगा करात की कौन सी गलती से नमाज टूट जाती है आफ़रीन साहिबा इंडिया से कुरान मजीद में कुछ ऐसे मकाम हैं कि अगर उन्हें नमाज में थोड़ा सा भी ग़लत पढ़ लें तो नमाज़ फ़ौर टूट जाती है ऐसे कौन से मकाम इनकी निशानदही फरमा दें भाई कुरान मजीद में ऐसे मकामा तो हाईलाइट करना तो नामुमकिन है वो तो सारे ही मकाम ऐसे हैं कि उनको आप गलत पढ़ लेंगे तो वो नमाज़ छूट जाएगी कितना गलत पढ़ेंगे कि किसी आयत को इतना गलत पढ़ लेना कि आयत का असल मफ़ूम बिल्कुल उसके अपोज़िट हो जाए जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला के अरशाद लिन अशरकता लः बतमल का व तको नन्न मिनलासन कि अगर आपने शिर किया तो आप खसारे वालों में से हो जाएंगे अब किसी क़ारी ने ग़लती से पढ़ लिया वल तक मिनल ख़ासन को मिनल हास पढ़ लिया हासिरीन का मतलब हसरत वालों में हो जाएंगे तो माना चेंज तो हुआ है लेकिन बिल्कुल उलट नहीं हो गया तो उलट नहीं हो गया बिल्कुल ही कुरान के मफहम के बिल्कुल अपोजिट नहीं हो गया माना चेंज हुआ है तो इससे अगर ये गलती से किया तो नमाज नहीं टूटेगी लेकिन गलत है ऐसा करना जायज नहीं है लेकिन अगर माना बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है जैसे किसी ने आयत पढ़ी लइन अशरक्ता लह बतल अमलुका वलतकुन मिनल मुफलिन्न कि अगर तुमने शिक शिर किया तो तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम कामयाब लोगों में से हो जाओगे खास को मुफलीन पढ़ लिया तो ये बिल्कुल ही कुरान की मंशा के ख़िलाफ़ हो गया शिरक वाले कामयाब कभी नहीं होते तो ऐसी बड़ी फहश गलती जब होगी किसी आयत के पढ़ने में तो चाहे वो कहीं भी हो तो फिर नमाज टूट जाती है लेकिन ये ज़रूरी है कि ए, उसका कोई और सही मतलब निकल ना सकता हो अगर आयत किसी ने गलती से गलत पढ़ ली उसका गलत मतलब भी कोई बयान कर सकता है सही मतलब भी तो भी नमाज़ नहीं टूटेगी और अगर ऐसा मतलब है कि वो गलत ही बन रहा है सही मतलब बन ही नहीं सकता तो फिर नमाज़ टूट जाएगी दोबारा पढ़नी पड़ेगी ऑनलाइन साइट पर गलत इन्फॉर्मेशन से कमाई का हुक्म जूबिया अंसारी इंडिया से हम एक ऑनलाइन साइट पर काम करते हैं इसमें हमें अपनी उम्र उम्र वग़ैरह बायो डाटा थोड़ा सा झूठा डालना पड़ता है तब जाकर वो सर्वे होता है क्या इसकी कमाई सही होगी या नहीं देखिए ऑनलाइन साइट पर अगर आप अपनी गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं झूठ का गुना होगा लेकिन कमाई का हलाल और हराम होने से इसका ताल्लुक है का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपको कमीशन या पैसे किस चीज़ के दिए जा रहे हैं किसी मखसूस काम के पैसे दिए जा रहे हैं तो वो काम अगर जायज़ है तो पैसे भी जायज़ हैं इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप गलत सर्टिफिकेट बना के किसी कंपनी में जॉब करते हैं और फिर जॉब की आपको सैलरी मिलती है तो गलत सर्टिफिकेट बनाना झूठा सर्टिफिकेट बनाने का गुनाह तो होगा मगर उस तनख्वाह को हम हराम नहीं कहेंगे क्योंकि तनख्वा तो आपको काम की मिल रही है ना वो काम आप कंपनी में अगर ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं तो तनख्वाह भी अर्निंग भी हलाल है तो यहाँ भी ऐसे ही है अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया तो ये अमल तो नाजायज़ है लेकिन काम जो आप कर रहे हैं वो काम ये कर रही हैं अगर वो काम सही है तो फिर उसकी तनख्वाह आपके लिए जायज़ है वो काम ही धोखा है गलत है तो फिर तनख्वाह भी जायज़ नहीं है जुमा की असर के बाद का ख़ास दिन दुरू शरीफ क्या यह हदीस सही है कि जुमे के दिन असर के बाद यह दुरू शरीफ पढ़ने वाले के अस्सी साल के गुना माफ़ हो जाते हैं अल्लाह महमदीनी नबी ही वाला आल ही वसलम तस्लीम बिनते अब्दुल्लह स्रीलंका ये वाली जो हदीस के जो अल्फाज हैं जो आपने आयत पढ़ी हदीस पेश की है ये हदीस ज़ईफ़ है सनत के लिहाज से सही नहीं है लेकिन जुमे के दिन दुरुष ही पढ़ने की फजीलत सही हदीस से साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अक्सर फ़ी सलात तय फ़ी ही के जुमे अ कमा ख़ल वसलम के जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो तो इसलिए जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए और असर की नमाज़ के बाद ख़ास तौर पर कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना चाहिए क्योंकि वो कबूलियत का वक्त है हदीस में आता है जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी जिस है जिसमें कबूलियत का दुआएं कबूल होती हैं तो उसमें उलमा के मुख्तलिफ अवाल हैं राज कौल यही है कि असर के बाद का टाइम है तो दुरूशरीफ़ का असर से पढ़कर उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए तो कबूलीत का इम्कान उसमें ज़्यादा होता है अलबत्ता ये जो अल्फाज हैं ये पढ़ना चाहें तो इनमें भी कोई हरज नहीं है क्योंकि फ़जाइल हैं तो जयीफ़ हदीस है लेकिन कोई फ़िकी मसला तो इससे सबित हो नहीं रहा फ़ी नफ्सी फजीलत बहर दुरूशरीफ़ की हदीस से साबित है। और अगर कोई दूसरा दुरू पढ़ लें जो सही हदीस से तो वो ज़्यादा बेहतर है इमाम मनतखब करने के शर् ओल अगर किसी मस्जिद में इमाम मुक्र ना हो तो इमाम कैसे चुने मोहम्मद सिद्दीक़ कराची से भाई इमाम की सिलेक्शन के लिए बजाय खुद चुनने के बेहतर ये है किसी बड़े दीनी इदारे से रबता किया जाए ये इमाम की सिलेक्शन का बड़ा ख़ानदानी तरीक़ा आपको बता रहा हूँ आप बड़े बड़े मदारस हैं लाहौर में जामिया अशरफ़ है या उधर अकोड़ा खटक में मौरना हक साहब शहीद रहाम का मदरसा है या इधर खैरमदारस है मुल्तान में या आज कराची में जामत तो रशीद है कुरंगी है बिनोरी टाउन है जाम फ़ारूक़िया है तो इस जैसे और भी माशा बड़े बड़े मदारस हैं इन मदारस से मसाजिद वालों को चाहिए कि वो रबता करें और कहें हमें इसम इस का इमाम चाहिए हमारी आबादी इस टाइप की है इस टाइप के लोग हमारे यहाँ रहते हैं तो हमें इस टाइप का इमाम चाहिए यानी टाइप का मतलब ये कि आप अगर डिफेंस में रहते हैं तो वहाँ ज़ाहिर अक्सर हाई प्रोफाइल एजुकेटेड इमाम यानी लोग होते हैं तो उनको इमाम भी इसी किस्म का ज़्यादा उनके लिए यानी अच्छा इमाम होता है कि जो थोड़ी बहुत इंग्लिश से भी शुद्ध रखता हो और थोड़ी बहुत जो असरी उलूम से भी वाकिफ़ हो तो और अगर कोई दूसरा इलाक़ा है तो वहाँ की आवाम जिस हिसाब की जिस हिसाब से है तो उस यानी देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है वमा अरस मर मिर रसोलिन अबिलसान कौम ही हमने जिस पैगम्बर को भी भेजा है तो उसकी कौम की ज़बान दे के भेजा है कौम तो के कल्चर क़ौम की ज़बान को पैगम्बर समझते थे तो जिस मस्जिद में जिस महल में आप इमाम को मंतखब कर रहे हैं तो पहली शर्त आलिम हो कुरान अच्छा पढ़ना जानता हो ये तो बेसिक शर्तें हैं तखबा हो उसके अंदर ये तो बुनियादी शर्तें हैं और एक अहम तरीन शर्त यह है कि वो उस कौम के मिजाज को समझता हो यानी उस इलाक़े के लोगों के मिजाज को समझता हो तो ये चार पाँच बातें आप लिख के ए, अगर इलाका ऐसा है कि वहाँ पश्तो स्पीकिंग लोग हैं तो इमाम अगर पश्तो भी जानता हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कि किसी कौम की मदर लैंग्वेज में बात को समझाना वो ज़्यादा अच्छा होता है उस वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो इस तरह की आप अपनी यानी चंद सिद्ध नंबर एक तखवा वो तो सबसे पहले है नंबर दो भाई आलिम हो नंबर तीन कुरान अच्छी तरह पढ़ना जानते हो शरी मसाइल जानते हो जब ालम होंगे और चौथी चीज़ भाई हमारे यहाँ जो है ये इस तरह के लोग हैं हमें इस किस्म का इमाम चाहिए तो आप बड़े मदारस से रबता करें वो ख़ुद देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन से यानी इस लेवल के केलमा कौन कौन से हैं तो वो ख़ुद आपको आलिम देंगे होता ये है कि कमेटी में लोग बेचारे अक्सर माजरत के साथ अक्सर मसाजिद की कमेटी के लोग अनपढ़ होते हैं यानी अनपढ़ से मेरी मुराद है दीनी लिहाज से फारि होते हैं वो वह दुनियावी लिहाज से तो एजुकेटेड होते हैं लेकिन दीन का इल बिल्कुल भी नहीं होता अब जिसके पास तरह से इलम ही नहीं है वो सेलेक्ट कैसे करेगा कि यानी मस्जिद का इमाम इस तरह का वो उसको क्या पता चलेगा कि मैं जिस इमाम को सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आलिम भी है या नहीं है आलिम को आलमी पहचान पाते हैं जैसे डॉक्टर को डॉक्टर पहचानेगा ना तो अब देखें आपने कोई हॉस्पिटल खोला और आप इसमें डॉक्टरों को सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो आप डॉक्टरों ही से रबा करेंगे ना यार आप बताओ कोई अच्छे डॉक्टर आवाम से थोड़ी पूछेंगे आप जाके महले वालों से आपके आप बताएं जी ए, के कौन डॉक्टर अच्छा है या आप खुद लोगों को बुला बुला के इंटरव्यू लेंगे कि आप बताएं एजुकेटेड हैं या नहीं आ, वो आपको तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होगा जब आप डॉक्टर नहीं हैं तो कोई कोई भी शख्स आपको मेडिकल साइंस के नाम पे बेवकूफ़ बना सकता है तो ऐसे ही इल्मदीन के नाम पे भी कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है हमारे यहाँ तो एक अजीब सी भीड़छाड़ चल रही है कि बस कहीं भी उठा कोई भी उठा कोई ईंटें रख के मस्जिद बना ली उसका पता ही नहीं होता ये कौन है कहाँ से आया भाई तुम किस मदरसे से फ़ारे हो एक फिर कवारीत फैलाना शुरू कर देते हैं फिर तो इसलिए जब भी किसी को इमाम रखना हो मेरी राय ये है कि आप बड़े दीनी मदारस से राबता करें उनसे कहें हमें भाई ये इस तरह की रिक्वायरमेंट है हमें कोई इमाम आप दें आप कोई सजेस्ट करें हमारे लिए तो वो जो आपके लिए मंतब करें जिसको वो भेजें आमन्ना वसदकना कह कर आप उनको इमाम बना दें और फिर उनकी इतात करें क्या हज और उम्र के लिए बच्चों का बाल होना जरूरी है क्या हज और उमरे में जाने के लिए बच्चों का बाल होना जरूरी है सायमा ख़ातून इंडिया से हज और उमरे के में जाने के लिए बच्चों का बाले होना ज़रूरी नहीं है लेकिन नाबालिग बच्चे ने अगर हज किया तो उसका फ़र्ज हज अदा नहीं होगा बलूगत के बाद दोबारा हज करना पड़ेगा अगर वालिद की कमाई हराम हो तो बेटे से निकाह का हुक्म यानी जिसके लड़के की बाप की कमाई हराम है बिनते साजिद अगर किसी लड़के के वालिद की कमाई हराम हो मगर लड़का ख़ुद हलाल कमाता हो तो क्या ऐसे लड़के से शादी करना जायज़ होगा क्योंकि घर का खर कुछ ख़र्चा तो वालिद साहब भी देते होंगे भाई शादी करना तो जायज़ है लेकिन फिर एहतियात ज़रूरी है कि वालिद साहब की अर्निंग से खाने पीने का काम ना किया जाए गैस बिजली के बिल तो वो अलग कर दिए जाएँ और आप अपने शोहरी की अर्निंग को खाएँ यानी जो भी खातून ऐसे आदमी से निकाह करना चाह रही हैं तो उसके लिए सुसर की कमाई बहरहाल हलाल नहीं होगी हाँ अगर सुसर और बेटे की कमाई मिक्स हो के उस घर में खर्च होती है तो फिर देखा जाएगा ज़्यादा कमाई क्या है ज़्यादा हलाल है तो फिर हलाल समझा जाएगा ज़्यादा हराम है तो फिर हराम समझा जाएगा बाल्टी में कपड़े धोने का सही तरीका बाल्टी में कपड़े धो रही हूँ ऊपर से पानी भी खोल रखा है कि आप पानी में शलवार दुपट्टा कमीज़ एक साथ धोकर निकाल लें या शलवार अलग धोएं फिर पानी तब्दील करके कमीज़ में धोएंगे फिर दुपट्टा और अगर ऊपर से नल ना खुला हो तो क्या हुक्म है उखते सुबहानखते सुबहान इस्लामाबाद ये लफ्ज़ असल में साहबान है लोगों ने सुबहान बना दिया है खैर अगर आपका नाम अब्बा ने उखते सुबहान रखा है तो हम भी सुबहानी कहेंगे लेकिन वैसे जो सही नाम है वो साहबान है सुबहान के बजाय देखें बाल्टी में सारे कपड़े एक साथ डाल के धोना जायज़ है लेकिन अगर एक कपड़ा नापाक होगा तो उसकी वजह से बाकी सारे कपड़े भी नापाक हो जाएंगे ये जहन में रखें और फिर सारे कपड़ों को बाकायदा तीन दफ़ा धो के पाक करना पड़ेगा तो अगर आपने नापाक कपड़े भी डाल दिए तो उस नापाक कपड़े में अगर नजासत नजर आ रही है तो उसको रगड़ के साफ़ करना ज़रूरी है और फिर आप उसको तीन दफ़ा जो है बाल्टी में से पानी गुजार लेंगे तो सारे कपड़े पाक हो जाएंगे बेहतर यही है कि नापाक कपड़ों को पहले अलग से धो लिया जाए ताकि वो पाक कपड़ों से खल्त ना हो और फिर सबको इकट्ठा बाल्टी में डाल के उस पानी निकाल देंगे तो सब पाक हो जाएंगे दूसरे निका के लिए क़ानूनी कार्रवाई करना कितना ज़रूरी है मुस्लिम कराची से ये ख़ातून पूछ रही हैं मेरे भाई की पहली शादी नाकाम हो चुकी है अब वो दूसरी शादी करना चाह रहा है लेकिन अभी पहली को इसने एक तलाक़ दी है क्या दूसरी शादी के लिए इसे कोई कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है या नहीं पहली को अगर तलाक़ दिए अगर उसको नहीं रखना चाहते और जोड़ की इस कोई सूरत नहीं बन रही है तो वो तलाक़नामा बनवा लें और उसको रजिस्ट्रेशन करवा लें नादरा से उसकी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर जब आप दूसरी शादी करें आपके भाई दूसरी शादी करेंगे तो उसमें पहली वाइफ़ उनके खिलाफ केस नहीं कर सकती शरीयत में तो वाइफ़ की इजाज़त के बगैर आप चार शादियां कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तानी कानून ये है कि अगर आप फर्स्ट वाइफ़ की परमिशन के बगैर दूसरी शादी कर लें तो पहली वाइफ जो है आपके खिलाफ केस कर सकती है जो कि ख़िलाफ़ शरा क़ानून है लेकिन बहरहाल है तो पहली वाइफ आप यानी या शोहर के खिलाफ केस कर सकती है तो अगर तलाक़ दे दिए तो डिवोर्स पेपर बनवा लें ताकि कानूनी हक भी हो जाए और फर्स्ट वाइफ जो है वो अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ केस ना कर सके खाना काबा पर नजर पड़े तो कितनी दुआएं मांगें खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़ती है तो दो तो जो दुआ मांगी जाती है वह कबूल होती है तो क्या कोई एक दुआ मांगी जाए या बहुत सारी दुआएं मांग सकते हैं उम्मे अब, इरम अब्दुल्ला अच्छा सॉरी उम अब्दुल्ला देखें दुआएं तो ज़्यादा मांगी जाएँ तो अल्लाह खुश होते हैं वक़ाल अरबू को मजरूनी अस्तबलकुम इनधी ना यस्तक बिरु ना अन इबादती सैदुरू जहन्नम दाखीरीन के जो लोग मेरी दुआ से मुझे पुकारने से तकबर से काम लेते हैं वो जहन्नम में जाएंगे तो जितनी दुआ मांग सकते हैं मांगें इसमें तकबर नहीं करना चाहिए हाँ थकावट हो सुस्ती हो रही है वो एक अलग बात है तो और ख़ास तौर पर बैतुल्ला पर जब पहली नज़र पड़ती है तो दुआएं कबूल होती हैं लेकिन ये बात याद रखें लोग इसमें बहुत ही वहमी से हो जाते हैं वो सर नीचे करके जा रहे होते हैं जब पहली दफ़ा जब उम्र करने जा रहे होते हैं ना तो वो सर नीचे करके पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा जब भी सर नीचे करके जा रहे होते हैं ताकि जब करीब पहुँच के हम नज़र पड़ेगी ना तो उस वक्त हम दुआ मांगेंगे और उससे पहले वो नजर ही नहीं पढ़ने देते बैतुल्ला पर कि वो ऑप्शन ज़ाया ना हो जाए क्योंकि अभी दूर से नज़र पड़ गई तो यहाँ तो दुआ मांगनी नहीं है फिर आगे गए तो वो पहली नज़र नहीं रहेगी तो इस तकल्लुफ़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब आपने हरम में दाखिल हुए हैं और बैतुल्ला पे नज़र पड़ भी गई तो कोई हर्ज नहीं है आप करीब चले जाएँ बैतुल्ला के तो वो तीस, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी नज़र भी पहली नज़र ही कहलाएगी यानी कंटिन्यू जब आप एक काम कर रहे हैं बैतुल्ला के करीब हो रहे हैं तो इस दौरान जितनी नज़रें बैतुल्ला पे पड़ेंगी वो पहली नज़र ही कहलाएगी यानी पहली का ये मतलब नहीं होता कि बस जब एक दफ़ा पड़ गई नज़र तो अब आपने वहीं ब्रेक लगा के दुआ मांगनी बाज़ ववा खड़े होने की जगह नहीं होती तो इसलिए आपकी नज़र पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं आप कंटिन्यू चलते रहें और तवाफ़ शुरू करने से पहले हाथ उठा के दुआ मांगें तो इन श्ला वो दुआएँ कबूल करेगा अल्लाह ताली और जितनी ज़्यादा दुआएँ मांगे उतना अच्छा है हमने तो अपल्ला के साथ बाज़ बुज़ुर्गों के साथ सफ़र किया है हज का व उमरे का वो तो, तो कई कई बहुत देर तक दुआ मांगते थे यानी एक आम आदमी के लिए इतनी देर खड़ा रहना मुमकिन नहीं होता तो जो दुआओं पे हरीस हैं वो तो ऐसा मौका ज़ाया नहीं होने देते आज मुफ्ती तारिक मसूद